आई एम मोहम्मद रईस फ्रॉम टेगोर स्कूल पर बत्सर। टुडे वी विल रीड द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास सेवेंथ, द गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड टुडे वी विल रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, यू मस्ट वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर एंड आफ्टर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। नाउ वी विल रीड दिस चैप्टर फॉरवर्ड। थिंक आई एम जॉकिंग, थिंक मीन सोचो, आई एम जॉकिंग, मैं मजाक कर रहा हूँ, कि सोचो कि क्या मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अच्छा थोड़ा रुको। आई विल शो यू समटाइम्स, आई मीन्स मैं विल शो यानी दिखाऊंगा, यू यानी तुम्हें, समटाइम्स यानी किसी समय, कि मैं किसी समय तुम्हें दिखाऊंगा। इट्स क्लियर, इट्स क्लियर यानी यह साफ है, यानी यह स्पष्ट है कि यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, कि तुम एक चीज़ के इतिहास के बारे में नहीं जानते हो, ये चीज़ साफ है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, आर यू, सॉरी हैव यू, यानी क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए हो। ही सैड मिस्टीरियसली, यानी उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। वेल अच्छा, वैन आवर क्लास वैन टू महाबलीपुरम, यानी जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई। आई सा स्टेचू, यानी मैंने एक मूर्ति को देखा। अब थाथाज 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 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, यानी जब हमारी कक्षा है वो महाबलीपुरम गई तो मैंने एक मूर्ति देखी। किसकी? थाथा की। थाथा मीन्स दादी की, यानी जो महेंद्र की जो दादी थी, यानी दादा थी, यानी उस बिल्ली के दादा की मूर्ति देखी, इत्यादि इत्यादि। और फैक्ट इज, यानी असलियत है कि महेंद्र हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम द वेरी सेम एंशियंट गेट, और वास्तविकता यह है कि महेंद्र ने यहाँ पे एक प्राचीन बिल्ली का वैसा ही यहाँ पे क्या एक वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अनदर देन द लाइन, कि क्लोज रिलेटिव का मतलब जो नज़दीक का रिश्तेदार है, ठीक है। क्लोज रिलेटिव मीन्स नज़दीक का रिश्तेदार। इन साइंटिफिकली एंशियंट, यानी वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित जो बिल्ली का जो निकट संबंधी है वो और कोई नहीं है बल्कि और कौन है, शेर है। कि वैज्ञानिक तरीके से बिल्ली का जो नज़दीकी रिश्तेदार है वो कौन है, शेर है, ठीक है। आगे द पल्लवा लॉइन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी। द पल्लवा लॉइन यानी पल्लव जो शेर है वो एम्बलम यानी प्रतीक है, पल्लवा यानी पल्लव डायनेस्टी यानी जो पल्लव डायनेस्टी यानी जो पल्लव वंश है उसका प्रतीक है, यानी जो पल्लव शेर है वो पल्लव वंश का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। रवि वेंट ऑन, रवि गया, एंड वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, और जो बीटर बेरी बुश थी यानी कड़वे जो बैल थी, कड़वे जो फलों की जो बैल थी उसके चारों चक्कर लगाया। एंड वेविंग ए ट्विंग अप एंड डाउन, और एक जो ट्विंग यानी टहनी है उसको ऊपर नीचे हिलाया। हिज आइज स्पार्कलिंग, यानी उसकी आँखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषिज केट, यानी ये जो बिल्ली थी द कैट इज डिसेंडेंट यानी वंश थी ऑफ नन अदर देन, दूसरे और नहीं, द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यानी जो महाबलीपुरम का जो ऋषि था उसकी बिल्ली की वंश है ये बिल्ली। एंड इफ़ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, जैसा कि मैं आपको रिमाइंड कर दूँ यानी याद दिला दूँ, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट, कि वे जो प्राचीन मिस्र था उसमें बिल्लियों को क्या किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। एंड हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, कि हाउ मीन्स कितना, ही मीन्स वाय, लव्ड मीन्स पसंद करते थे, द साउंड यानी ध्वनि को, ऑफ हिज ओवन वॉइस यानी उनके खुद की जो ध्वनि थी उसकी वो बहुत पसंद करते थे। मीना एंड मृदु, मीना और मृदु ने एक्सचेंज यानी लुक्स यानी एक दूसरे की आंखों में देखा। व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, कि किसी भी चीज़ के साथ में क्या करना चाहिए। मृदु डिमांडेड यानी मृदु ने मांग की इसकी, कि हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेड फॉर फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नॉट गॉडेज बास्टेट, कि हम के हु एम आई टेलिंग, जैसे एम आई टेलिंग, आई एम टेलिंग यानी मैं बता रहा हूँ, यू यानी तुम्हें, दिस कैट यानी यह बिल्ली, इज मीन्स है, डिसेंडेड यानी वंश, ये वंशज है, फ्रॉम द इजिप्टियन
कैट गॉड यानी इजिप्टियन यानी जो मिस्र का जो बिल्ली सामानीय जो देव भगवान है उसका क्या है, उसी का वंशज है ये, ठीक है। नौ गोडेज और कोई गोडेज कोई देवी नहीं है, बल्कि क्या है कि जो बास्टेट है, बास्टेट का मतलब एक मिस्र में एक ऐसी देवी जिसकी शक्ल है वो बिल्ली की तरह होती है, यानी सिर बिल्ली की तरह होता है और उसके कानों में बड़ी बड़ी बालियाँ पहनी जाती है, वो देवी या दैट इज, या कि हाँ दैट इज वह है। सो इसलिए वेल अच्छा वन ऑफ द डिमांडेड डेसेंडेंट्स ऑफ द कैट दैट गॉडेज वॉज द स्टोवे इज वन ऑफ द पल्लवा शिप्स एंड हिज डिसेंडेंट्स वॉज द महाबलीपुरम ऋषि कैट एंड वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दिस कैट गॉडेज यानी जो इस बिल्ली का जो वंशज है देवी वॉज मिस था एस्टोवे, स्टोवे यानी बगैर किराए के, यानी बगैर किराए के यात्रा करता था, वन ऑफ द पल्लवा शिप जो पल्लव जो जहाज होते थे उनमें यात्रा करता था, एंड हिज डिसेंडेंट और उसके जो डिसेंडेंट थे यानी जो वंशज है वो वॉज मिस था द महाबलीपुरम ऋषि कैट यानी और उसके जो वंशज है वो महाबलीपुरम ऋषि की जो बिल्ली है उसके वंशज है, हुज डिसेंडेंट और जिसके वंशज हैं रवि फ्लोरिश हिज ट्विंग एट महेंद्रनन यानी रवि ने महेंद्रनन को बड़ा करने में यानी टहनी के रूप में यानी उसको बड़ा करने में उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एम पी पुनई हियर हुप इक द ही श्रिक्ट तो एम पी पुनई यहाँ पे उसने वह चिल्लाया, क्या चिल्लाया कि एम पी पुनई हियर हुप इक ये चिल्लाई, वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ यानी खुद से बहुत यानी खुद में अपने आप में बहुत प्रसन्न थी। महेंद्रनन लुकड अप अलार्म्ड यानी महेंद्रनन ने चौंक कर ऊपर देखा, ही हैड जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल तो महेंद्र ने ऊपर चौंक कर ऊपर देखा तो उसने क्या देखा कि महेंद्र ने क्या कर रही थी, अपने जो पंजे थे उनको नारियल की जो कवच आता है उसके किनारे से क्या कर रही थी, तेज कर रही थी। बट ओवरस देन रवीज आउटफुल होप एक वॉज क्रिच लेकिन जो रवि का जो डरावनी जो होपिक थी यानी जो गूंज थी वो क्रिक की वो बहुत ही आउटफुल यानी थी यानी डरावनी थी फ्रॉम द विंडो जो कि खिड़की से आ रही थी। वॉट ए वियर्ड साउंड यानी कितना अजीब साउंड है, कितनी अजीब आवाज़ है, कितनी अजीब ध्वनि है। इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड और इससे मृदु क्या हुई, वो चौंक गई। एंड एम पी पुनई वॉज फ्राइंटेड और एम पी पुनई फ्राइंटेड हो गई यानी भयभीत हो गई, डर गई वो। आउट ऑफ हिज विट्स यानी उसके करने से क्या हो गई, जो एम पी पुनई थी वो भयभीत हो गई, ठीक है। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड और इसके बाल खड़े हो गए, ही बाउंस्ड अप और वह ऊपर उछली एंड स्क्रीड टुवर्ड ए बैम्बू ट्रे और एक बैम्बू ट्रे की ओर जल्दी जल्दी गई, ऑफ रेड चिल्ली जो जिसमें रेड चिल्ली यानी लाल मिर्च रखी हुई थी, एंड दैट हैज बीन सेट आउट टू ड्राई जिसको वहाँ पे सुखाने के लिए रखा था, ठीक है। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट और उसके नीचे छिपने का उसने प्रयास किया, ही ट्रिप्ड ए फ्यू चिल्लीज ओवर हिमसेल्फ और उसने कुछ जो मिर्चें थी उसको खुद के ऊपर डाल लिया। म्याउ ही हाउल्ड मिजरेबली और उसने बहुत ही परेशानी भरी आवाज़ में उसने आवाज़ें निकाली म्याउ की। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन और जो क्रीच की आवाज़ थी, जो क्रीचिंग यानी टूटने क्रीच क्रीच की आवाज़ थी वो बढ़ती गई यानी और ज़्यादा होती गई। व्हाट्स द नॉइज सेड मृदु तो मृदु ने कहा कि ये किसकी आवाज़ है तो दैट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वायोलिन ग्रंटेड रवि तो रवि ने कहा कि जो लल्ली है वो वायोलिन यानी जो सारंगी है वो बजाना सीख रही है। तो सी विल नेवर, सी मीन्स वह है, विल नेवर मीन्स कभी भी नहीं, लर्न ए थिंग यानी एक चीज़ को सीखेगी यानी वह कभी भी इस चीज़ को नहीं सीखेगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन यानी जो मास्टर है, म्यूजिक मास्टर है, वो उसको उस प्रकार से सिखा रहा है जैसे कि जो रेल की जो सीटी आती है उसकी तरह उसको बजाते हैं ना, उसी प्रकार से उसको सिखा रहा है। एंड और वाइल लल्ली ऑल द टाइम ड्रिलिंग और जो लल्ली है वो हर समय उसी पटरी पर दौड़ती रहती है यानी जैसा उसने बताया उसी प्रकार का करती रहती है। गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक और पूरी तरीके से उसी ट्रैक पे चलती है। तो द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ओवर, नाउ वी विल
सॉल्व द क्वेश्चंस, अब इसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसके प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द सीक्रेट, व्हाट मीन्स क्या, इट मीन्स है द सीक्रेट मीन्स रहस्य, यानी क्या रहस्य है। दैट मीना सेड्स, यानी मीना मीन्स मीना, ठीक है, क्या रहस्य है जो मीना सेड यानी बांटती है विज मृदु यानी मृदु के साथ इन द बैकयार्ड यानी आंगन में पीछे, तो जो मृदु है के साथ में बीना कौन से रहस्य को बांटती है, यानी मीना मृदु के साथ कौन से रहस्य को बांटती है, तो वो रहस्य कौन सा था, कौन से रहस्य को बांटती है, तो वो रहस्य था कि मीना सेड ए सीक्रेट ऑफ हैविंग ए किटन एंड बैकयार्ड इनसाइड ए टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, ही फाउंड हिम आउटसाइड द गेट। ये हो गया इसका आंसर। अब है सेकंड, सेकंड में क्या है कि हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर किटन, रवि को उस बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कैसे मिलता है, तो कैसे मिलता है, तो फॉर गेटिंग मिल्क फॉर किटन रवि टोल्ड पाती के दैट इज वेरी हंग्री एंड ही वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, ये मिल्क, ठीक है, so, और उसके बाद में फिर वो ही बॉट सम मिल्क एंड प्योर इट इन द सेल ऑफ कोकोनेट, और उसको लाके कोकोनेट सेल में प्योर कर देता है यानी उडेल देता है, ठीक है। फिर है हाउ डज ही से द किटन अ सेंटर आर, यानी हम वह कैसे कह सकते हैं कि, यानी कौन कहता है कि बिल्ली के बच्चे पूर्वज हैं, डू यू बिलीव हिम, क्या आप इसमें विश्वास करते हैं तो ये कौन कहता है कि बिल्ली के बच्चे हैं वो है, तो ही सेड द किटन अ सेंटर आर महाबलीपुरम ऋषि कैट विच वॉज द एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है। तो इससे अपन सहमत है नहीं है, तो नहीं है, तो वी डोंट बिलीव हिम, हम उसमें विश्वास नहीं करते हैं। फिर अगला है फोर्थ, ऋषि हैज अलॉट ऑफ सेज, ऋषि यानी ऋषि के हैज और अलॉट ऑफ सेज अबाउट एम पी पुणे, यानी रवि ने एम पी पुणे के बारे में बहुत सारी चीज़ें कहता है, तो इज शोर दैट, वह क्या दिखाता है, तो दो चीज़ों को दिखाता है, चार चीज़ें दी इसमें, दो चीज़ों को वो दिखाता है, और वो पहली चीज़ है कि हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री साउंड, यानी उसके जो इतिहास का ज्ञान था वो अच्छा खासा था, अच्छा खासा है, एंड दूसरा और अगला है, अगली चीज़ वो है द ही हैज ए रिच इमेजिनेशन, और ये उसके एक बड़ी यानी कल्पना शक्ति उसमें, तो ये चीज़ें अपन एग्री हो सकते हैं इन दो से। अगला फिफ्थ, व्हाट वाज द नॉइज दैट स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेड महेंद्रन, यानी कौन सी आवाज़ थी जिसने मृदु को चौंका दिया और महेंद्रन को डरा दिया, तो वो आवाज़ थी द साउंड ऑफ दी क्रीचिंग स्टार्टेड मृदु एंड फ्राइटेड महेंद्रन, इट वॉज द साउंड ऑफ द वायोलिन दैट लल्ली वॉज लर्निंग टू प्ले। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर नाउ, रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।